हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंजलि गुरपुरिया आप सबको अपने वीडियो में दिल से स्वागत करती हूँ। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ही होंगे। हम आए हैं भैया से मिलने, बहुत दूर से आप लोग से भी मिलवा रहे हैं। भैया तो बताइए, आप कुछ बोलिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे घर पर आई हैं, देखिए अंजलि जी आई हैं और बहुत ही मेहनत करके आए हैं, यानी कि बहुत परेशानी होते हुए आई हैं। और देखिए भैया भी आए हैं, तो जाइए उनसे बुलवाइए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाई इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए। और तो खाना वाना खाई है कि वैसे खाई है? तो चलिए ठीक है, देखिए खाए होते हैं, भूखे हैं, देखो खा रहे हैं। देखिए भैया जी खा रहे हैं और अंजलि जी के लिए उधर अंगूर रखा है, तो खाना चाहिए उनको ना। खाइए उसमें से। अली जी सविता जी से बात कीजिए, बुलाइए। तो देखिए दीदी जी बैठी हैं यहाँ पे मेरी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है अंजलि जी के चैनल पे। तो प्लीज आप लोग अंजलि जी का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। दो दिन का सफर तय करके तब ये हमारे पास आई हैं, तो आप लोगों का फर्ज है कि इनका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और प्यार दुलार बनाए रखिए, क्योंकि अब दो दिन का सफर करके आई हैं और अपना छोटा सा बेबी घर पे ही छोड़ आई हैं। 3 साल का बेबी है, उसको घर पे छोड़ के आई हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट उपोर्ट करते रहिए। और बताइए कुछ अपने चैनल में। मेरे चैनल मतलब आप लोग का प्यार दुलार के बगैर, आशीर्वाद के बगैर नहीं आगे बढ़ सकते, इसीलिए दीदी से इतना दूर से मिलने आए कि चलते हैं दीदी के बीच, थोड़ा मिल लेंगे, थोड़ा मतलब बात बात भी हो जाएगी आप लोग से। बहुत दिन से सोच रहे थे, वीडियो नहीं बना रहे थे, तभी से सोच रहे थे कि जाएंगे घर जाएंगे तो दीदी से मिलने जाएंगे, लेकिन फिर अचानक से मूड बन गया तो मैंने से बनाने लगे, फिर इसके कारण आ गए। चलिए ठीक है, तो भाई बड़ी दूर से मिलने आई हैं हमसे, तो हम तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए ताकि अगर मन है तो कुछ आगे करें। और दो दिन का सफ़र आप लोग तो जानते हैं, ट्रेन का सफ़र करना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अब तो, और टिकट भी नहीं जब जल्दी तो मिला, स्टेशन पे तो टिकट कहीं मिलता ही नहीं है, पहले से निकलवाना पड़ता है। और जब बैठ भी जाओ अगर टिकट का तब भी बहुत दिक्कत होता है, तब तो खाने वाले अपने लिए 500 रुपए लेंगे। 500 दो मिलता है तो 1000 रुपए भी लेते हैं। अगर मतलब कोई और बगल में होता है तो 500 लेते हैं, लेकिन अगर नहीं कोई हुआ और मतलब अकेले में बैठे हो सीट पे तो 500 मतलब 1000 रुपए मांगते हैं। उठाओ और खेलो। लेकिन एक सीक्रेट हम बताएं कि हम गोरखपुर गए थे ना, तो ना ही इधर से टिकट लेके गए थे ना ही उधर से टिकट, ऐसे ही आए थे ऐसे ही गए थे, कोई हमें नहीं पूछा था। तो चलिए आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं मिल गया तो 1000 से कम नहीं मिलेगा। दीदी गई थी इसलिए पता है, इनको बता रहे हैं, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा मत आप लोग। चलिए बाय बाय।